सिर्फ हमारी एग करी में लहसुन होता है, बाकी अंडे की डिशों में कोई लहसुन नहीं होता। तो जैनी भी खा सकते हैं। जी जी जी। सबसे बड़ी बात तो हमारे डिशों में अधिकतर ये सबसे खूबी तो ये है कि हमारी चीज़ों में किसी चीज़ में लहसुन नहीं होता। लहसुन ही लगता, क्योंकि कस्टमर जो बंदे हमारे पास आते हैं ना, वो लहसुन को अधिकतर अवॉइड करते हैं। अंडा अंडे वाली कोई भी डिश में आपके यहाँ लहसुन नहीं लगता? ये पहले मैंने दो अंडे खोल लिए, ये पहले इसे मिक्स कर लूँ। ब्रेड के टुकड़े हैं जो हम करते हैं। बता देना वाटर बटर उड़ जाएगा।
ये मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालू दूसरा बना हाँ। बता दे रहा ये मैंने दो अंडे ऐड कर लिए अब इसकी मैं फ्राई करूँगा वाटर बटर टेस्ट अनुसार नमक चार ब्रेड रोल है उल्टे आपसे डालो चाट मसाला अपने ऐड करेंगे प्याज अदरक मिर्च धनिया फिर ऐसे ही हम ब्रेड ही ऊपर लगाएंगे डबल लेयर जी अच्छा 25 साल पहले फिर एक क्वार्टर बटर और ऐड होगा इसमें ये भले मैं करो अधिकतर मेरे पास जो जैसे कि बंदे जो अवॉइड करते हैं जैसे कि हम एग नहीं खाते हैं हमने तो उन्हें भी खिलाना सिखा दिया लहसुन बिना डाल दिए
वो ना लगता ही नहीं है कि हम अंडे खा रहे हैं। और जैसे कि बहुत से हमारे कितने जने हमारे जानने वाले हैं, जैसे नोएडा से आते हैं, लेडीज भी आती हैं खाने, वो कभी जैसे बोलते हैं कि हमने कभी एग कभी नहीं खाया, अंडे के, यानी कि हमने अंडे कभी खाए नहीं, तो उनको भी नहीं लगता है कि हम कभी अंडे खाते हैं। उन्होंने भी खाना चालू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लहसुन भी अधिकतर जो नहीं खाते ना, तो वो नहीं खाते। ये खुद का मेरा अपना ही मसाला है, मैं अपने हाथों से ही बनाता हूँ। ये हर डिश में मिलेगा, हर आपके हर डिश में मिलता है मसाला। हाँ जी, ये मेरा चाट मसाला, मैं अब इसकी कटिंग करूँगा। नाम बताओ। ये एग कटलेट है ये मेरा, और ये काफ़ी पुरानी आइटम है मेरी, 25 साल, ये 100 का होता है, 25 साल करीब हो गया इसे चालू करे हुए। तो कितने का था? और जब मेरा 15 रुपए का होता था ये, आज की डेट में ये 100 का है।